भाजपा जिला अध्यक्ष शंकर दुप्पड़ जी, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा, चेयरमैन पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन हमारे बीच उपस्थित, जोरदार तालियां भाई, बहुत ही उत्तम नस्ल की घोड़ी और ये साहिवाल नस्ल की बच्चिया और बहुत ही वरिष्ठ ईमानदार राजस्थान की शान श्री अशोक खेमका जी और ये उत्तम नस्ल का ऊंट जो अपने हुनर दिखाने में देखने वाले दांतों तले उंगली दबा करके रह जाते हैं, इतना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और हुनर और ये नाच इस ऊंट के द्वारा किया जा रहा है, तो जोरदार तालियां भाई सभी के लिए। मंत्री राज्यपाल सत्ताईस तारीख को मुख्यमंत्री जी बधाएंगे यहाँ पे, मनोहरलाल खट्टर जी पूरे नृत्य देखिए काफी सुंदर किया गया और ये देखिए जोरदार तालियां सभी। इससे पहले आपने मॉडल्स को ही रैंप को पे चलते देखा होगा, आज आप देख सकते हैं एनिमल्स को तो काफी अच्छी पहल मैं इसे कहूँगा, क्योंकि पशुओं का भी मान सम्मान और उनके पशुपालकों का भी मान सम्मान इसी तरह गवर्नमेंट को करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रदेश में पशुओं की मान्यता हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रखें उन्हें पहले की तरह, जैसे पहले कुछ लोग क्या करते थे पशुओं को ज़्यादा मात्रा में रखते थे, 8-10 पशु रखते थे हर कोई अपने घरों में, फिर उन्होंने 2-2-3-3 रखने शुरू कर दिए, फिर उन्होंने 1-1 रखना शुरू कर दिया। इस तरह से लोगों ने जो पुराने पशुपालक थे किसान थे तो उनके आने वाली पीढ़ियों ने धीरे धीरे करके पशुओं को अपना काम कर दिया और आज हम साथ में हरियाणा के सबसे पहले नंबर पर है भारत अभी, क्योंकि उसके बावजूद भी जो खपत है दूध की जो लागत है पर डे वो है 65,000 करोड़ पर डे लागत और उत्पादन है 14,000 करोड़ पर डे, तो उसका भी एक कारण यही है कि हमने पशुपालन छोड़ते जा रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियां बिल्कुल गोबर गेट के राजी नहीं है या अन्य कोई काम करके पशु का राजी नहीं है, उसको ग्रामीण समझा जाता है या समझा जाता है, हमारे समाज में ऐसी धारणाएं हो गई है कि पशु रखता है वो तो गंवार है अनपढ़ है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो आप ज्यादा से ज्यादा पशु